तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि महिंद्रा अल्फा गाड़ी की क्लच प्लेट डालने का प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से इसे क्लच प्लेट के टाइमिंग मिलाई जाती है। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना भाई, बड़ा ही सिंपल तरीका होगा, घर बैठे भी आप क्लच प्लेट डाल सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अच्छी कंपनी क्लच लेनी है और क्लच को आपने 500 ग्राम तेल तसले के अंदर डाल के उसको भिगो लेना कम से कम 20 मिनट तक। उसके बाद भाई कटोरे को अच्छे से देखो भाई, इस तरीके से साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना। ऐसे आपने क्लच कूलर में लगा के कटोरे को साफ कर लेना भाई, और जब भी आप क्लच डालेंगे नया ही स्प्रिंग लेंगे, नई प्रेशर प्लेट और नई ही क्लच लेंगे, और क्लच को आपने 500 ग्राम तेल में डुबो लेना और वीडियो को शेयर करना भाई, ताकि और ड्राइवर भाइयों की हेल्प हो सके। फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्यूशन करते हैं भाई, यहाँ पर किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं लिया जाता। मिस्त्री जी एक बार बूस्ट प्लेट के अंदर इंजन गियर की टाइमिंग बताओ क्या रहती है, और इसके अंदर कितनी पले होनी चाहिए और कितनी नहीं पले होनी चाहिए। इसमें पले होने चाहिए, पले थोड़ी सी भी होनी चाहिए भाई। ये भाई पुरानी ही डाल रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर भाई ने खुद बोला कि मेरी पुरानी ही डाल लो, बस खाली क्लच क्लच डाल लिया। तो इसके अंदर देखो भाई, ये फिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी भी पले नहीं होनी चाहिए। तो आपने इस तरीके से बूस्ट प्लेट को और इंजन गियर को रखना, वो डिबरी आएंगे। चल होगी, और इस तरीके से नट लगा देना भाई आपने। कितने नंबर की चाबी रहेगी इसके अंदर? 20-22 की चाबी रखनी है भाई, क्योंकि हमारा क्लच कूलर का जो नट 20-22 की चाबी से अटैच है, और इस तरीके से हमें टाइट करना ताकि स्प्रिंगों को नीचे बैठा दे भाई। बड़ा ही सिंपल तरीका होगा भाई, घर बैठे भी आप कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। हाँ, फॉलो करना भाई स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से क्या वर्क किया जाए। इस तरीके से आपने टाइट करना भी, और स्प्रिंगों को पेचकस से आपने ऐसे सुराख में खुले कर लेना। देखो भी इस तरीके से आपने स्प्रिंगों को चेक करना, इनको सीधे कर ले क्योंकि मुझ जाते हैं, और अगर ये दबे रह गए, ये सही से नहीं खुले, तो आपकी गाड़ी की क्लच का जो पिकअप होगा वो पिकअप लो रहेगा। पिकअप को बनाने के लिए आप हम नए स्प्रिंग यूज करते हैं, और इनको अच्छे तरीके से आप सीधे कर ले भाई, सुराख आर पार दिखने चाहिए। देखो इस तरीके से ये कंडीशन होनी चाहिए स्प्रिंगों की, और उसके बाद भी बूस्ट प्लेट का आपने टाइमिंग देख लिया होगा। एक बार नहीं देखा तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। मिस्त्री जी, बूस्ट प्लेट का टाइमिंग यहाँ पे रहेगा, देखो यहाँ पर इन दो कटों के अंदर बूस्ट प्लेट का टाइमिंग आएगा, देख लो भाई। बड़ा कट आज दो ये जो कट आते हैं कटोरे के अंदर, इन कटों के अंदर इसका टाइमिंग होगा भाई। और कंप्लीट वीडियो आपने देखनी है तो डालने का तरीका ये भाई, कंप्लीट वीडियो बहुत तरीके इस चैनल पर, बहुत वीडियो डाल रखे है भाई। अल्फा गाड़ी ये खड़ी भाई, वो गाड़ी जिस गाड़ी की आज क्लच रिपेयर कर रहे हैं, और ये हमारे गोलू भाई साहब की गाड़ी है जो हमने क्लच भिगो रखी थी। देखो ये क्लच प्लेट होती है, प्रेशर प्लेट होती है, क्लच प्लेट होती है, इसका फेस हमने नीचे रखना पड़ेगा भाई, और इनका कट हमने कैसे मिलाना पड़ेगा, इस कट में मिलेगा भाई। यहाँ पर हमने बूस्ट प्लेट का टाइमिंग रखा था और क्लच का टाइमिंग हम यहाँ पे रखेंगे स्टेप बाय स्टेप भाई। इस तरीके से आप घर बैठे क्लच प्लेट डाल सकते हैं, कोई खास बात नहीं होती। जो आप टाइमिंग नीचे से लेकर चलोगे वही टाइमिंग रखना भाई। आपने बूस्ट प्लेट का टाइमिंग बता दिया, क्लच प्लेट का टाइमिंग बता दिया, और रही बात प्रेशर प्लेट की, प्रेशर प्लेट का टाइमिंग ये रहेगा जो हमने अभी डाला है। देखो क्लच का टाइमिंग यहाँ पर आएगा, तेल सही मिल रहा है ना ये कट में। हाँ, मतलब काफी गाड़ियों में प्रॉब्लम रहती है कि क्लच स्लप हो जाती है और क्लच सड़ जाती है, सूखी क्लच मिलती है भाई, वो इस वजह से मिलती है कि उनका टाइमिंग सही नहीं होता और क्लच में तेल नहीं जाता, जिसकी वजह से गाड़ी की क्लच 2-3 महीने मुश्किल चलती है। नहीं भाई साहब, महिंद्रा अल्फा गाड़ी की क्लच कम से कम 1 साल चलनी चाहिए अगर आपका टाइमिंग सही होगा तो। अगर आपका टाइमिंग ही में ही गलती होगी तो आपकी गाड़ी क्लच कैसे चलेगी। और साथ में भाई ऑयल की बात आए, देखो भाई हम अच्छी कंपनी का ऑयल यूज करते हैं गियर बॉक्स के अंदर भी, और आपने लंबे समय तक आपकी गाड़ी क्लच चलानी है तो आपने 3 सर्विस के बाद गियर बॉक्स की सर्विस करवानी पड़ेगी साथ के साथ, और अच्छी कंपनी का ही ऑयल डालना पड़ेगा। तो भी इस तरीके से आपने क्लच डाल के लॉक लगाना भी, और लॉक लगा के मिस्त्री जी आप ये क्या कर रहे हो? चेक करो ना, फ्री है नहीं। अगर ये फ्री है तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी क्लच अच्छे से काम करेगी। अगर ये टाइट हो जाती है तो, अगर ये टाइट हो जाती है तो क्या फॉल्ट रहेगा जी? हाँ पूरा, ये टाइमिंग होगा अगर इसकी,
तो भाई आप अपनी इंजन गियर को घुमा के जरूर चेक करना, अगर आपकी गाड़ी का इंजन गियर सही घूम रहा है तो आपकी गाड़ी गलत अच्छे से काम करेगी, अगर आपका टाइट घूम रहा है तो आपकी क्लच में ही कोई फॉल्ट आया, डालने का तरीका गलत हुआ है। और भाई सेम प्रोसीजर रहेगा अल्फा गाड़ी में, इसी तरीके से आपने क्लच डालनी है, बहुत ही जबरदस्त तरीका भाई, कोई फेक वीडियो नहीं बनाते, कोई व्यूज का चक्कर नहीं होता, किसी से कोई पैसा नहीं लेते भाई। बस एक बस सभी भाई ड्राइवर भाई से रिक्वेस्ट रहती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर किया करो भाई, ताकि और ड्राइवर भाइयों के जहाँ तक हमसे हो सके भाई फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर सकते हैं वहीं तक करेंगे। तो बने रहे भाई चैनल के ऊपर, आप एक जेन्युइन कंटेंट हम लेकर आते रहे, आप चैनल पर रेगुलर बने रहे भाई। अरे कि इसकी फिटिंग की वीडियो देखनी है तो आप चैनल पर जाए, बहुत सी वीडियो बना रखे भाई कम्प्लीट फिटिंग की। तो ये तरीका खाली क्लच प्लेट डालने का, टाइमिंग मिलाने का था बस।